बोलिए सतदेव की जय। जगत है रैन का सपना, मनुष्य इस संसार की उत्पत्ति के लिए काफी रोमांचित है, जानना चाहता है। वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं, राम ये जगत तो उत्पन्न ही नहीं हुआ है, बड़ा कौतुक है। कई चीजें टीकाकारों ने अपने मत के अनुसार लिखी है, इससे आदमी भ्रमित है। दरअसल अंधा अगुआ तह पर माही, बहु अंधे तह पीछे जाई। युग की भी संज्ञा लोग अपने हिसाब से देते हैं। अब साहब ने जो संज्ञा दी है, योगावशिष्ट का अध्ययन करें तो दोनों सेम है। दोनों में भिन्नता लेश मात्र नहीं है। योगा वशिष्ठ के अनुसार राम जी को बता रहे हैं वशिष्ठ जी, सत्युग 17,28,000 वर्ष, कबीर साहब के अनुसार 18,00,000 वर्ष है, 18,00,000। त्रेता 12,096,00,000 यानी 13,000 वर्ष, कबीर साहब के अनुसार 14,00,000 वर्ष, कोई अंतर नहीं। द्वापर 9,00,000 वर्ष के आसपास है और कलयुग 4,32,000। अब ये राम जी की बात 5,000 साल पहले पता नहीं किस हिसाब से बोल रहे हैं, वो तो करोड़ों युग यानी कई लाख वर्ष पहले की बात है। महर्षि जी वशिष्ठ बोले हैं, कौशल्य नंदन जिस भांति आकाश वन और बंजा पुत्र है उसी भांति ये दृश्य रूपी जगत है। तत्पर जगत कुछ भी नहीं है, जगत हुआ ही नहीं है। कितना बड़ा कौतुक है ये, मैंने उस दिन भी बताया, साहब ने अपने शब्द में कहा, अंड और ब्रह्मांड स्वप्न, पिंड और ब्रह्मांड स्वप्न, चंद्र सूर्य भास स्वप्न, पंच में प्रपंच स्वप्न, स्वप्न का सब रूप है। वाचा अवाचा स्वप्न, गुरु शिष्य बोध स्वप्न, स्वप्न का सब रूप है। स्वप्न से परे सत्य, सत्य लोग बीच भाषा करे, नहीं आवे नहीं जाए, वही सत्य नाम सत्य रूप सत्य भूप है। जगत तो एक स्वप्न है पर यह यथार्थ प्रतीत होता है। राम जी को वशिष्ठ जी ये बोध दे रहे हैं, आप विचार कीजिए। जिस भांति आकाशवन और बांध्य पुत्र हैं उसी भांति ये संसार दृश्य रूपी जगत स्वप्न है। तात्पर्य यह है कि जगत कुछ भी नहीं है, केवल भ्रांति मात्र है। आंखों के विकार के कारण शून्य में बिंदुओं की माला दिखती है, वस्तुत वो वहां नहीं है, ये तो आंखों के विकार के कारण प्रतीत होती है। इस तरह संसार तो हुआ ही नहीं है। मैंने आपको गेटे का भी विवरण दिया, संसार नहीं है, ये भ्रम है। आगे करें, हे मुने, आकाश में मन और बांझ स्त्री के पुत्र तो त्रिकाल में नहीं होता, यह तो केवल बाघ विलास है, कोई उसकी उत्पत्ति थोड़ी हुई है, किंतु यह जगत तो स्पष्ट दिखाई देता है। वाह, राम जी का प्रश्न बड़ा यूनिक है। इसकी आकाश वन और बंध्यापुत्र से उपमा नहीं दी जा सकती है जो आप दे रहे हैं।
महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम मैं सत्य कहता हूं, इस जगत की उत्पत्ति नहीं हुई है। ये तो यही गेटे भी कह रहा है, मुझसे पहले कोई जगत ही नहीं था, ये मेरी उत्पत्ति है, मेरे अज्ञान से ही जगत भाषित होता है। जब आदमी अपने स्वरूप में सिमट जाता है पूरी ऊर्जा आत्म में, तो ये सब पूरा संसार खत्म हो जाता है। अब यहां एक बात कह रहे हैं नानक देव जी, कह रहे हैं जो सपना पेखड़ा जग रचना तुम जानो। मैं ये कह रहा हूं सुखी होना दुखी होना आपके हाथ में ही है। जब आपका चिंतन नेगेटिव है तो आप दुखी रहेंगे, ये तो एक सोच है, एक चिंतन है, इनसे परे हट जाओ। ठीक उसी तरह बाल्य, बच्चे किसी चीज के लिए रोते हैं, उनका ध्यान डाइवर्ट कर दो वो भूल जाते हैं उस चीज को, तो उस चीज का अस्तित्व ही उनके लिए फिर खत्म हो जाता है। महर्षि वशिष्ठ बोले, राम मैं सत्य कहता हूं, इस जगत की उत्पत्ति नहीं हुई है। जिस तरह जल में तरंग, काजल में श्यामता, अग्नि में उष्णता, चंद्रमा में शीतलता, वायु में स्पंदन और आकाश में शून्यता, आखिर चंद्रमा में शीतलता क्यों है? क्या चंद्रमा शीतल है? नहीं, चंद्रमा में शीतलता इसलिए है कि जब सूर्यास्त होता है तो पृथ्वी पर तीसर किरणें नहीं आती हैं, रात्रि वैसे ही शीतल होती है। ऊष्मा तो सूर्य की किरणों के कारण है, ऐसा नहीं है कि चंद्रमा वहां से कोई ठंडक फेंक रहा है, नहीं। हां, हर एक ग्रह के अंदर से कुछ स्थितियां निकलती है, पत्थरों से भी कुछ रेज निकलती है, सूर्य की जो रेज है इतनी तीक्ष्ण नहीं है चंद्रमा की, इस कारण वो शीतलता दिखाई देती है। यह तो उसी प्रकार दिखाई दे रहा है जिस प्रकार स्वप्न में नगर दिखाई पड़ते हैं। जागने पर उनका अस्तित्व शून्य होता है, इतने बड़े बड़े महल, इतने बड़े बड़े शहर दिखाई देते, एक कण भी उसका बाकी नहीं रहता है। इस तरह हे राम, ये सिर्फ ब्रह्म के कारण जगत आभास है। ये जगत आकाश रूप है, इसकी उत्पत्ति नहीं हुई। जिस तरह जल में तरंग, काजल में श्यामता, अग्नि में ऊष्मा, चंद्रमा में शीतलता, वायु में स्पंदन और आकाश में शून्यता है, उसी भांति जगत को भी समझो, मन में जगत को समझो। यह तो सदैव अपने स्वभाव में स्थित रहता है। राम जी बोले, हे मुनिवर, आपके कथनानुसार बिना दृश्य का अभाव हुए ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। वाह, बिना दृश्य का अभाव हुए ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक आप बाहर कुछ देख रहे हैं तो आपकी ऊर्जा उधर लगी है। सीधे शब्दों में यूं कहें, इस समय आदमी की जो आत्मशक्ति है विश्व में फैली हुई है, ठीक वैसे ही बल्ब प्रज्वलित और प्रकाशित हो रहा है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, अगर बिजली चली जाए तो कुछ भी नहीं। ये सब आत्मसत्ता के कारण और ब्रह्मवश जगत प्रतीत हो रहा है। ब्रह्म कहां से आया? ब्रह्म मन और माया से उत्पन्न हुआ। जैसे
नाहर कुप में अपनी प्रतिमा देख पड़े हो, शेर कुएं में अपने ही रूप को देखकर भ्रमित होकर दूसरा शेर समझता है, दहाड़ता है, अपनी आवाज ही प्रतिगुंजित होकर आती है, उसको भ्रम होता है दूसरा शेर है, कूद पड़ता है, अपने प्राण गवाता है, उसको कोई धकेलने वाला नहीं था, ये अपने भ्रम के कारण हुआ। अब भ्रम क्यों उत्पन्न हुआ? भ्रम कुएं और जल के कारण उत्पन्न हुआ, इसलिए जीवात्मा पंच भौतिक तत्व और माया के कारण भ्रम में पड़ गई। शेर को ऐसे जमीन पर भ्रम नहीं हो रहा है, उसकी भ्रम की उत्पत्ति कूप और जल से हुई। इसी तरह ये माया भी संसार है, माया के कारण जीव में भ्रम हुआ। अब कह रहे हैं रामचंद्र बोले, हे मुनिवर, आपके कथनानुसार बिना शून्य का अभाव हुए ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। शून्य का अभाव यानी कहने का मतलब है, अब यहां देखो साहब भी कह रहे हैं और वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं, शून्य से निकल कर ही शून्य आकाश है, इसी में दृश्य और पांच तत्व समाहित है, इसलिए शून्य शिखर चढ़ बीन बजाए खुले द्वार सदघर की। जब तक आप इस शून्य में हैं तो शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि आपको अवश्य लगेंगे, ये इसकी नेचर है। आंख खुलने के साथ आपको दृश्य दिखेगा ही, ये आंख की वृत्ति है। बगीचे में जाकर आपको खुशबू मिलेगी ही, ये नासिका की वृत्ति है। मुख में भोजन डाला तो उसका रस अनुभव होगा, ये मुंह की वृत्ति है। और आपने शब्द सुने, शब्दों का सारांश और भाव आपके मस्तिष्क में आएगा, ये कानों की वृत्ति है। इसलिए हे राम, ये संपूर्ण जगत सिर्फ मनोवृत्ति के कारण प्रतीत हुआ है। यहां साहब का शब्द बड़ा सटीक है, संतो तन खोजे मन पाया, तन ही मन है, इंद्री मन है। आप विचार कीजिए, दृश्य का अभाव हुए बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? जब हम दृश्य देख रहे हैं तो हमारी ऊर्जा दृश्य में लग गई, हम अपने में है नहीं, हम दृश्य रूप हो जाते हैं। आदमी पर तीन चीजों का प्रभाव बहुत जबरदस्त पड़ता है, देखने का, सुनने का और विचारने का। शून्य अवस्था उसका नाम है, तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर ता पलक को कल्प न पावे कोए। जब वो शून्य को क्रॉस करता है तो ये पंच भौतिक तत्व का आभास भी वहीं खत्म हो जाता है, ठीक वैसे ही खत्म हो जाता है। इसलिए तो कहा आत्मज्ञान के बाद संसार का अस्तित्व नहीं रहता है, ठीक वैसे ही जैसे आदमी स्वप्न में बड़े दुखों में फंसा हुआ है, जागने के बाद सब दुख खत्म हो जाते हैं। कभी कभी आप देखते हैं आदमी निद्रावस्था में स्वप्न की भावाटी में बड़े डरावने स्वप्न देखता है और समय वो दुखी होता है, उसे प्राप्त होने वाला दुख उस समय यथार्थ लगता है, लेकिन जैसे जाग जाता है उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। इस तरह राम आत्मज्ञान के बाद जगत का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, जैसे नींद में देखने वाले सभी दृश्यों का अस्तित्व जागने पर शून्य हो जाता है, वैसा ही हो जाता है। इसलिए अभी यहां सहजो भाई भी पुष्टि दे रहे हैं, सहजो साथ सुखी कहे लागी शून्य समाध, हम शून्य से बाहर निकले। इसलिए आप उस युक्ति को बताएं जिससे दृश्य का अत्यंत अभाव होकर निर्वाण पद प्राप्त हो, दृश्य का अभाव हो जाए। ये दृश्य ब्रह्म जगत बहुत बड़ा है। आप कहते हैं जगत का अभाव है तथा यह भ्रांति मात्र है, परंतु यह तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है,
जिस वस्तु का अभाव होता है उसका कोई कारण नहीं होता तथा उससे किसी को बंधन भी नहीं होता, किंतु इस जगत का में तो बंधन प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है, यहाँ कोई मुक्त नहीं है। इसलिए हे गुरुवर, आप अब आप वही उपाय बताएं जिससे इस जगत का अत्यंत अभाव हो जाए। आप विचार कर सकते हैं कि ये योगावशिष्ठ महारामायण संस्कृत के श्लोक है, उन पर संस्कृत में उल्लेख है, नीचे टीका है। आप विचार कर सकते हैं कि राम जी ने किस प्रकार अपने गुरुवर से प्रश्न किए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, मेरी बात को एकाग्र चित्त होकर सुनो। समझ लेने से दृश्य की शांति अवश्य हो जाएगी। तुम्हारे हृदय में जगत उसी प्रकार न रहेगा जिस प्रकार समुद्र में धूल नहीं रहती है। हे रघुनंदन, यह जगत जो तुम्हें दिखाई पड़ता है इसको रचने वाला कोई नहीं है, ये अकारण रूप है, इसका कोई कारण नहीं होता है। वह दिखाई पड़े तो उसका भ्रम मात्र ही जानना चाहिए, इसकी रचना नहीं हुई है। चित्त का संवेदन ही स्पंदन रूप में जगत होकर के भाषित होता है। आप देखना, जब आप कोई संकल्प करते हैं उस समय आपकी एक और बॉडी होती है, वही बॉडी जो है संसार का प्रतिबिंब है। आप जब भी थॉट करते हैं आपको एक शरीर मिलता है उस समय। जब आप सोचते हैं मैं रास्ते पर जाऊंगा तो एक शरीर आपका रास्ते पर अंदर से चलने लगता है। ये तो मोक्ष है केवल। इसलिए जब आप अच्छा भोजन खाने की इच्छा करते हैं तो अंदर पहले एक बॉडी बनती है, वो शरीर आपको प्रेरित करता है, हाँ इसमें हमें आनंद मिला। इसलिए ये मन की सुपुर्णा है जगत केवल, इस शरीर से अधिक अंदर का वो मानसिक शरीर काम करता है, वही सुख दुख को अनुभव करता है, वही जीव का ब्रह्ममय रूप है, इसलिए उसको जीव कहते हैं। वो अज्ञान धारक शरीर जो है, जैसे हमें स्वप्न में एक शरीर की प्राप्ति होती है, वो नितांत ही भ्रमांक शरीर है। इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी मन के संकल्प के अनुसार शरीर बनते हैं, वस्तुओं के आकार बनते हैं, और वही आकार फिर हमारी आँखों और इंद्रियों द्वारा बाहरगत होते हैं। इसलिए मन का की क्रिया रोकने से ही संपूर्ण विश्व स्थिर हो जाता है। यहाँ साहब कह रहे हैं, तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर उस पलक को कल्प न पावे कोई। कल्पांतर की साधना भी उसके तुल्य नहीं होती। इसलिए तो दुनिया के सभी लोग स्थिरता एकाग्रता की बात कर रहे हैं। आदमी ये तथ्य नहीं समझ पा रहा है, उसे बाहर भटका दिया है। कहीं वशिष्ठ जी ने बाहर की बात ही नहीं कही है, पूरा विश्व तुम्हारे अंदर है। लेकिन बाहर की बात करने वालों की अपनी एक इंटरेस्ट है, इससे उनकी जीविका का उपार्जन होता है, जीव का उपार्जन करते। हे राम, चित्त का संवेदन ही स्पंदन रूप में जगत होकर भाषित होता है। अब आप समझिए इस बात को, चित्त का स्पंदन, वो स्पंदन क्या है? जब हमारा चित्त कोई आकृति बनाता है, उदाहरण के लिए आपने किसी सुंदर स्त्री को देखा, एक आकृति हुई, बस अब वो चित्त वो आकृति आपके सामने खड़ा करता है, आपकी आसक्ति तब उसमें हो जाती, तब आप उस पार्थिव शरीर की तरफ दौड़ते हैं। इसलिए ज्ञानी की पहचान है वो जगत, उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है, वो उस शरीर को जान जाता है। वो भौतिक माया भी शरीर है, वही सुख को अनुभव करता है, वही दुख को, वो जीव की ब्रह्मांक अवस्था है। ठीक वैसे ही ब्रह्मांक अवस्था है जैसे आप स्वप्न अवस्था में पहुंच जाते हैं, उस अवस्था के कारण से आपको संपूर्ण जगत भाषित होता है। मैं आपको एक और वृत्तांत बताता हूँ, ये वृत्तांत भी योगावशिष्ट का है।
एक बार एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था नदी किनारे, तपस्या कर रहा था, उन्हें विष्णु जी का साक्षात्कार हो गया। उन्होंने कहा, भगवान मैं आपकी लीला देखना चाहता हूं। विष्णु जी ने कहा, हे ब्राह्मण लीला न देखो, ठीक नहीं है। बोला, ना मैं आपकी लीला देखना चाहता हूं। विष्णु जी ने उन्हें कहा, अच्छा ठीक है, जल में डुबकी लगाओ। उसके सर पे हाथ रखा, जल में डुबकी लगाओ। जब डुबकी लगाई, एक मिनट में बाहर आया। बोला, हे ब्राह्मण तुमने क्या देखा? बोला, महाराज मैंने देखा मैं एक घोड़े पर सवार हूं, घोड़ा मुंहजोर हो गया, मुझे घनी भावाटी में भटकाने लगा, मैं रास्ता भूल गया, एक ऐसे जंगल में फंस गया जहां से मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मैं रास्ते की खोज करते करते थक गया, घोड़ा भी थक गया, मैं बड़ा विवश और शिथिल हो गया। इतने में मेरी दृष्टि एक युवा कन्या पर पड़ी, जिसके सर पर एक टोकरी थी, हाथ में जलपात्र था। मैं भूख प्यास से इतना व्यूल था कि प्राण निकलने वाले थे। मैंने उस स्त्री से प्रार्थना की कि मुझे जल दो और भोजन दो, मेरे प्राण जा रहे हैं। उसने मुझे कहा, मैं आपको भोजन और जल नहीं दे सकती। बोला, मैं उसके सामने बड़ा गड़गड़ाया। उसने मुझे कहा कि एक शर्त पर मैं तुम्हें आधा इसमें से भोजन दूंगी। मेरा पिताश्री इस जंगल से थोड़ी दूर एक जगह हल चला रहे हैं, ये भोजन मैं उनके लिए ले जा रहा। चंडाली ने बोला, वो चंडाल थी, बोला इसमें से आधा भोजन मैं, आधा जल तुम्हें दे सकती हूं। एक शर्त है, यदि तुम मुझसे विवाह करो तो। ब्राह्मण ने विष्णु जी से कहा कि प्राणों की रक्षा हेतु मैं उसकी, और उसमें अखाद्य पदार्थ थे, जल में मांस आदि थे, रुद्र आदि था, पर प्राणों की रक्षा हेतु मैंने उसकी ये शर्त मंजूर की। मैंने वो अशुद्ध भोजन ग्रहण किया और उस स्त्री के पीछे पीछे चला। वहां पहुंचकर अपने पिता के पास उन्होंने पहुंची और कहा, इस तरह से मैं इसे पतिव्रत किया। बाद में बोला, महाराज उस चंडालनी से मुझे 2-3 पुत्र उत्पन्न हुए। अचानक उस गांव में अकाल पड़ा, लोग भूख प्यास से त्राह त्राह मचाए। मेरे बच्चे भी मेरे सामने भूख के कारण विलाप कर रहे थे। मैंने अपनी पत्नी चंडालनी से कहा कि मैं थोड़ा दूसरे शहर में जाता हूं, वहां जाकर मैं कुछ उद्योग कुछ कार्य करूंगा और धन लेके बच्चों की परवरिश करूंगा। मैं वहां से निकल पड़ा। संयोग से उस नगर के राजा की मृत्यु हो गई थी, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। राजा ने यह आदेश दिया था, जो उत्तर दिशा से प्रथम नगर में प्रवेश करे सुबह, उसी को राजा बनाना, और इस नगर का नहीं होना चाहिए, दूसरे स्थान का। बोला, मैं चलते चलते रात्रि भर चला, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उस नगर के अंदर प्रवेश किया। वहां मुझे उनके सैनिकों ने पकड़ लिया। मैंने उनसे कहा, भाई मैं चोर नहीं हूं कोई, मैंने गलती नहीं की, क्यों पकड़ा है? सैनिकों ने बताया, हे भद्रजन यहां का राजा शरीर त्याग चुका है,
उसकी इच्छा थी जो प्रथम व्यक्ति उत्तर द्वार से नगर में प्रवेश करे उसे राज्य सिंहासन दिया जाए, इसलिए आप आए और आपको राजा बनाया जाएगा। चले उन्हें उसका राज्याभिषेक किया गया। वो वहाँ राजसुख पाकर ये चीज़ें बोला मैं भूल गया। ऐसे एक दो साल राज्य करते करते हो गए। एक दिन मैं अपने महल की अटारी पर विचरण कर रहा था, इतने में वो चंडालनी और मेरे दोनों तीन पुत्रों ने मुझे वहां से देख लिया। वो मेरी तलाश में नगर में आए थे और वहां से ही वो स्त्री बोलने लगी, ओ मेरा पति मेरा पति। बच्चे बोलने लगे, मेरा पिता श्री। सब यही शोर करते हुए राजमहल में प्रवेश किए। मैंने उनको पहचाना। राजमंत्रियों ने, भद्रजन और ब्राह्मण गुरुओं ने देखा, मुझे धिक्कारा, कहा तुम्हें धिक्कार है, चंडाल होकर तुमने ब्राह्मण क्षत्रियों के ऊपर शासन किया, पहले नहीं बताया। बोला मैं आत्मग्लानि से एक कक्ष में जाकर के आत्मदाह किया, वो अपमान मैं नहीं सह सका और मेरी वहां मृत्यु हो गई। बोला महाराज फिर मैं मेरी आंख खुल गई, ये क्या है, ये तो आपने स्वप्न दिखाया। विष्णु जी ने कहा हे ब्राह्मण इस स्वप्न नहीं, ये यथार्थ है। बोला ये तो केवल एक पल ही में हुआ, जो नहा रहे थे वो भी वही हैं, मेरे वस्त्र वो पड़े हैं, पर ये पूरे वृतांत में तो वर्षों लग गए थे। बोला ये स्वप्न नहीं है, अब तुम जाओ वो नगर देख के आओ, वहां जाकर पूछना, उस गांव में जाओ, तुम्हें वहां वो तुम्हारे पुत्र भी मिलेंगे, वो चंडालिन तुम्हारी जो भार्या थी वो भी मिलेगी, तुम उन सब स्थानों को पहचानोगे। जब वो ब्राह्मण स्थूल शरीर से उन जगहों पर देखने गया, उस राज्य में गया, पूछा कि यहां का राजा आत्मदाह किया, बोला हां वो चंडाल था। वो बोला वो कक्ष दिखाओ, वो कक्ष दिखाया, राज सिंहासन सब कुछ प्रत्यक्ष में भी वैसा ही लगा। और उस गांव में गया जहां चंडालनी और बच्चे थे, उनको भी पहचाना। वापस आया, बोला हे भगवान ये कैसा। बोला यही माया है, ये जगत है रैन का सपना। इस तरह ये ब्रह्मांड जीवात्मा अनादि टाइम से इसी स्वप्न और अज्ञान अवस्था में घूम रहा है। तभी तो कहा न जाने कितने शरीर आपने धारण किए। बहुबंधन थे बांधिया एक बेचारा जीव, आत्मा का निस्तारण नहीं हो रहा आत्मज्ञान के बिना। साहब भी कह रहे आत्मज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी। बहुत अच्छी बात है। हे राम आत्मसत्ता भी जगत का कारण नहीं है, क्योंकि वह तो अभूत और चल रूप है, इसलिए भौतिक और जड़ पदार्थ का किस प्रकार कारण हो सकता है। जिस भांति धूप से परछाई उत्पन्न होती है उसी भांति आत्म से जगत, उसी भांति आत्मसत्ता से भी जगत की उत्पत्ति नहीं हुई है, इसलिए जगत कुछ नहीं है, वह सत्ता जगत के रूप में दिखाई देती है, आत्मा ही दिखाई दे रही है। जैसे स्वर्ण का रूप बदलकर आभूषण बन जाता है तथा आभूषण स्वर्ण में से भिन्न अपना कोई अस्तित्व नहीं रखता, वैसे ही ब्रह्म आत्मसत्ता ही जगत के रूप में प्रतीत होती है, उसका अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं है। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, पलट वजूद में अजब विश्राम है, वजूद यानी अपने में होए मौजूद तो समझ आए।
आत्मा का वो आत्मा की सत्ता अपने आप में ही स्थित है, ना कहूं गया नहीं कहीं आया, इसलिए आत्मा न्यूनाधिक नहीं होती, उसमें से कुछ नहीं निकाला जा सकता है, उसमें कुछ प्रविष्ट नहीं किया जा सकता है। इसलिए जब कोई आत्माएं नहीं निकल पाई तब साहेब आए जगत में एक ऐसी ताकत लेकर कि जिससे जीव का अज्ञान नष्ट हो। आप अनुभव कर सकते हैं, चाहे आप बोल पाए नहीं बोल पाए, नामदान की प्राप्ति के बाद संसार की आसक्ति आपके हृदय से एकदम कम हो गई। आप चाहे उसकी व्याख्या नहीं कर पाए, अंदर से आपकी आत्मा समझ रही है। हे राघव, आत्मा को, आत्मा की सत्ता सदैव अपने आप में स्थित है, नित्य शुद्ध और जरा मृत्यु से रहता है। उसी आत्मसत्ता में सृष्टि की उत्पत्ति जिस भांत हुई है, अब मैं तुम्हें बताता हूं, उसको समझ लेना। ये जगत रूपी कल्पना का अवश्य ही नाश हो जाएगा, तुम्हें भौतिक से दुख सुख विचलित नहीं कर सकेंगे। राम जी आदि शुद्ध देव चैतन्य स्वरूप है, जब तक वह अपने स्वरूप में आप स्थित होता है तब तक उसका नाम जीव है। उसी से समस्त भौतिक संसार प्रकट हुआ है। जब यह जीव अपने शुद्ध आदि देव में लीन होना चाहता है तब सर्वप्रथम वह शून्य रूप हो जाता है, उसमें शून्यादि गुण उत्पन्न होते हैं, उसी आदि तन्मात्रा सूक्ष्म रूप से वेदों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार इस जगत में जो कुछ भी शब्द हैं वह सब इसी तन्मात्रा सूक्ष्म रूप से उत्पन्न होता है, जिससे वायु स्पर्श होता है, रूप तन्मात्रा से सूर्य अग्नि आदि उत्पन्न हुए हैं, इसी प्रकार रस तन्मात्रा से जल और गल तन्मात्रा से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। हे राम, इस भांति पंचभौतिक तत्वों की उत्पत्ति हुई, इन्हीं पंचभौतिक से मिश्रित ये जगत ही जगत की उत्पत्ति है। पंचभूत ये पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये भूत शुद्ध सच्चिदाकाश रूप नहीं है, क्योंकि ये संकल्प रूप की मैल उत्पन्न है। वाह, अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, पुरुष मैल कर निरंजन को किया। देखिए मिल रहे हैं शब्द, हे रघुनंदन, जिस प्रकार बरगद के वृक्ष की उत्पत्ति उसके छोटे से बीज के द्वारा होती है, उसी प्रकार जगत की उत्पत्ति चिदाणु से हुई है। कहीं तो एक क्षण में ही युग का भान होता है और कहीं युग में क्षण का आभास होता है। जब चित्त चलायमान होता है तब अनेक ब्रह्मांड प्रतीत होते हैं। चित्त से चित्त का निरोध करो और चित्त का आत्मा से साक्षात्कार हो जाते हैं, सारा जगत एक पिंड रूप दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य है सारा जगत आत्म रूप प्रतीत होता है। हे राम, यह तो तुम जानते हो कि जैसा बीज होगा तो वैसा ही पेड़ होगा। इसी तरह यह संसार शुद्ध चिदाकाश से उत्पन्न होता है, होने के कारण शुद्ध चिदाकाश रूपी है। अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प से जगत का अडंबर प्रतीत होता है। संकल्पों का नाश हो जाने पर जगत दृश्य का भी अवश्य नाश हो जाता है। यहां देखो साहब का शब्द, वास्तव में द्वैत आद्वैत कुछ भी नहीं है। यहां अब साहब का शब्द कितना प्यारा है, इंद्री पसारा रोक ले सब सुख तेरे पास, ना कुछ हुआ ना कुछ भया ना कुछ गया। साहब ने ऐसी एक सुगम भाषा का प्रयोग किया जो प्रचलित थी। भाषा हमरी पूरब की, हमसा लखे जो होए। हे राम, आत्मा सदैव अपने आप में स्थित रहने वाला है, वह शांत अनंत ज्ञान रूप और सब भूतों में समान रूप से व्याप्त है। उसी में यह दृश्य रूपी जगत उत्पन्न हुआ है जो सम और असम रूप दोनों है। अब यह जगत सम रूप अर्थात सजातीय रूप और असम अर्थात भेद रूप किस लिए है सो बताता हूँ। सर्वप्रथम इसमें जीव की उत्पत्ति जिससे शब्द रूप रस स्पर्श गंध आदि हुए, ये पंचभूत
वृक्ष निकला, इसी वृक्ष से यह समस्त विश्व रूपी फल लगाए। इससे सिद्ध हुआ कि ये जगत इन पंचभूतों से मिलकर बना है। मैं किसी पर व्यंग नहीं करता हूँ, जब किसी में त्रुटि देखता हूँ तो शालीन तरीके से उसको समझाता हूँ। बड़े बड़े विद्वान लोग, एक बहुत बड़ी वाणी तो अनमोल है, पर जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर तब तू बाहर बोल। स और श का उच्चारण बहुत मुश्किल होता है, यहाँ के लोग है नहीं बोल पाते, अ बोलते हैं, हलवे को हलवा बोलते हैं, हल को अल बोलते हैं। इसी तरह कुछ लोग स और श का अंतर नहीं समझते, शस्त्र नहीं होता है वो शस्त्र होता है, वो शास्त्र नहीं होता है स वो शास्त्र होता है। जब बड़े बड़े विद ये गलती करते हैं तो एकदम थोड़ा सा विचार आ जाता है, मैं किसी को हुट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए शब्दों का उच्चारण शुद्ध रूप से होना चाहिए। स और श दो अलग शब्द है, ये देश नहीं होता है, ये देश है, देश नहीं है। इस तरह कई जगहों पर हम श का प्रयोग करते हैं तो वो लोग कई जगह पर जहां श का प्रयोग है सह बोलते हैं। इससे विज्ञ लोग जान जाते हैं कि इसका उच्चारण बहुत अशुद्ध है, ये ध्यान रखा जाना चाहिए। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर फिर तू मुख से खोल। हमेशा बोलने से पहले ये देखना है जो मैं बोलने जा रहा हूं इसका प्रतिफल क्या होगा। आप कटुवाणी नहीं बोले, किसी के दोष को भी बोलना है तो तरीके से शालीन तरीके से बोलिए। आक्रांता होकर बोलेंगे तो खुद आपको पहले आक्रांता होना पड़ेगा। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, आप नेगेटिव नहीं सोचो, किसी के लिए नेगेटिव नहीं बनो। जब आप दोष बोलो ना किसी का, बड़े सलीके से दोष बोलिए ना, आप खुद आक्रांता हो रहे हैं, आक्रांता होकर बोल रहे हैं, आप पूरे आक्रांता हो जाएंगे, आप खुद नेगेटिव हो जाएंगे। तो अपने आप को बचाइए, आप अपना तथ्य रखें सामने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वाणी शिष्ट होनी चाहिए, अशिष्ट नहीं। वाणी क्रूर नहीं होना चाहिए। आप जब किसी के लिए क्रूर वाणी का प्रयोग करते हैं, पहले आपको खुद क्रूर होना पड़ता है, और बार बार क्रूरता की बात करने से आप खुद क्रूर बन जाएंगे। आपकी मांसपेशियाँ, आपकी आंखें, आपके हाथ में, आपकी बॉडी लैंग्वेज पूरी क्रूर हो जाएगी। इसलिए शांत चित्त रहें, अपनी बात को तरीके से रखें, दूसरे तक अपनी बात पहुंचाएं, और बहुत बड़ा अंतर है इसमें। मैंने लोगों की ऐसी ऐसी गलतियां बोली हैं और वो बुरा भी नहीं माने। मैं एक उदाहरण देता हूं। बंदगी में एक आदमी मेरे पास बैठता था, तो लोग चरण पर पैसा रखते हैं। ये आज से करीब 30 साल पहले की बात, वो 100 रुपये चुराता था, 100 रुपये चुराना। मुझे किसी ने कहा कि गुरुजी ये आदमी 100 रुपये चुराता है, इसको नहीं बिठाओ। मैंने दिल में सोचा मैं खुद देखता हूं कि ये सही है या इसको डिसअपॉइंट किया जा रहा है। अब मुझे पता चलता था जो आता था बंदगी करने, प्रणाम करने, कौन सा आदमी है, कैसा है, पता चल जाता था। कौन क्या चढ़ाता है वो भी पता चल जाता था। जब वो कोई 100 रुपये चढ़ाता था तो मैं जान जाता था ये आदमी 100 रुपये चढ़ाया है। तब वो क्या करता था, वो 100 रुपया पाँव के पास ही वो बैठता था, वो मेरी तरफ देखता था कि इन्होंने देखा तो नहीं, और वो एक मोजे पहन के बैठता था, 100 का नोट हाथ में रखता था। 100 का नोट हाथ में रखकर एक कागज देना, बड़े तरीके से चोरी करता था। 100 का नोट वो यूं कर लेता था,
ऐसे गुड़ी कर देता था हाथ में, उसी समय कुछ नहीं करता था, हाथ में रख लेता था, बाकी उठाकर लिफाफे में डालता जाता था, बाद में वो चुपके से उस मोजे में डाल देता था। और उसकी प्रक्रिया क्या थी, जब भी बंदगी की लाइन लगे वो इतना जल्दी आकर खुद बैठ जाता था, दूसरे को मौका नहीं देना। मैं जब कंफर्म हो गया कि आदमी ऐसा करता है, पता है मैं उसको क्या बोला, और सेवा भी बड़ी करता था। इंसान में ह्यूमन फैक्ट ह्यूमन एफिशिएंसी दोनों है। मैं उसको कहा भैया, मैं उसका नाम ही चुरहू रख दिया, अभी भी उसको मैं चुरहू के नाम से पुकारता हूँ, अभी उसके बड़े बच्चे भी हो गए। मैंने कहा देखो आप 100 रुपये चुरा लेते यार, मुझसे मांग लेना चाहिए था, और ये लोग भी जानते हैं, इसलिए आप यहाँ नहीं बैठो, बाकी सेवा करो, और चोरी करनी नहीं चाहिए गुरु के स्थान पर। ठीक है, अगर मैं कहा तुम चोर के बच्चे हो और चोरी करते हो, गेट आउट हो जाओ, तो मेरे ख्याल से उसमें सुधार नहीं हो सकता था। मैं उसका उसका दोष भी बताया। इस पर साहब बोल रहे हैं, वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल ये तरह जो तोल कर फिर तू बाहर खोल। अब क्या हुआ, उसने बुरा नहीं माना इतना, क्योंकि मैं कटुवाणी नहीं बोला। साहब बोल रहे हैं मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, स्वर्ण द्वार हो संचरे साले सकल शरीर। अब वो फिर क्या किया, वहां नहीं बैठता था, सेवा तो करता था, बहुत सेवा करने लगा। उसने चोरी भी छोड़ दी, और वो उसने मुझसे इतना प्रेम तभी भी था फिर भी रखा, और अब चोरी नहीं करता, सेवा भी करता है। यहाँ साहब कह रहे बिगड़े को न बिगाड़िए। आप किसी का दोष इस तरह कहना शालीन तरीके से, तब वो सोचेगा, आक्रोशित होकर बोलोगे वो पहले ही क्रोधित हो जाएगा, उस पर सोचेगा ही नहीं, उल्टा आप पर गुस्सा करेगा। वाह साहब क्या कह रहे हैं, वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल ये तरह जू तोल कर फिर तू मुख से खोल। अशुद्ध शब्द न बोले, पढ़ते समय भी अगर अशुद्धियाँ हैं तो शुद्ध करके बोले। इस तरह से दूसरे के दोष को भी आक्रांत होकर न बोले, किसी के लिए नेगेटिव न जाओ। जब आप किसी के लिए नेगेटिव होंगे तो पहले आपका स्वरूप अंदर से पूरा नेगेटिव हो जाएगा। उस समय भी अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना, ये तराजू तोल कर फिर तू मुख से बोल। क्षमा चाहता हूँ, अभी समय हो गया, और कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा साहब।